Starting for the day, myself Saurabh Patil. I'm here for next 9 days with you for ethical hacking workshop. मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, 10 साल है टीचिंग का एक्सपीरियंस. अकॉर्डिंग ये इथिकल हैकिंग का वर्कशॉप, अब ये मेरा सेकेंड थर्ड ऑनलाइन वर्कशॉप है, नहीं तो मेरा 93 वर्कशॉप हुए इथिकल हैकिंग के 3 साल में, ऑल अराउंड द विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, खुद की लाल करने के लिए नहीं, क्यों बता रहा हूँ, ओनली टू एंश्योर दैट कि थोड़ा भरोसा रखो, कुछ तो आता है, कुछ तो सिखा के जाएगा, पैसा जो भरा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, बस इसके लिए बता रहा हूँ. बाकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है, ना मैं बड़ा कोई हैकर या ऐसा कुछ हूँ, तो मुझे जो आता है मैं आपके सामने रख सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ. स्टार्टिंग फॉर द डे जीरो, आउटलाइन क्या है हमारा, हमारा आउटलाइन है विल फर्स्ट गो टू द सिस्टम सेटअप. बहुत लोग के क्वेश्चन आए थे, हम लोग को जो दिया है गूगल ड्राइव उसका क्या करना है, अभी मैं बताता हूँ. सेकेंड वी विल अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग. सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वो है आईपी एड्रेस, बहुत जरूरी है. जब भी हम लोग कल से जब भी अटैक शुरू करेंगे, हर जगह पे आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा. क्यों आईपी एड्रेस इम्पोर्टेंट है, तो किसी के किसके ऊपर अटैक करना है उसका नाम पता होना चाहिए, उसका लोकेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना. तो वैसे ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई अटैक करना चाहते हैं, हमको सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर पता होना चाहिए, वो है आईपी एड्रेस. और भी है, पोर्ट नंबर है, मैक एड्रेस, वो बहुत लोग बताते नहीं है, पर हम लोग वो समझेंगे क्या है, आईपी एड्रेस क्या है समझेंगे, पोर्ट नंबर क्या है समझेंगे, और मैक एड्रेस क्या है समझेंगे. बहुत लोगों को आता रहेगा, बहुत लोगों ने सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो मैं गारंटी करता हूँ आपने जो पढ़ा है उसका कंसेप्चुअलाइजेशन थियरी से जो पढ़ा रहेगा वो मैं प्रैक्टिकल में लेकर आऊंगा. फन पार्ट में हम लोग 2 वेबसाइट्स देखेंगे, देखेंगे कि क्या होता है. तो पहले वो पहला फन पार्ट पहले क्लियर करता हूँ. तुम लोग में से सबको क्वेश्चन आता है, कैन वी हैक द फेसबुक अकाउंट, कैन वी हैक द इंस्टाग्राम अकाउंट, कैन वी हैक द, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है. और यूट्यूब पे जाके तुम लोग सर्च भी करते हो हैक द फेसबुक अकाउंट, वहां पे वीडियोज रहते हैं, आप लोग इसमें से स्टेप्स फॉलो करते हो. मैं आपको बताता हूँ 90% स्टेप्स सब रिजल्ट देते ही नहीं है. क्यों नहीं देते, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में अटैक कर ही नहीं रहे, उनका आपका अपना यूट्यूब का चैनल चलाना है और उसके व्यूज बढ़ाने, इसके लिए उन्होंने ऐसे टाइटल्स दिए, एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. लेट्स सी, तो ये स्क्रीन पे अगर हम लोग देखेंगे, ये स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, चलो लेट्स गो टू सम वेबसाइट. अभी ये नासा का वेबसाइट दिख रहा है ना आपको, राइट, नासा का वेबसाइट दिख रहा है ना. अगर यहाँ पे अगर मैं ध्यान देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ, देखो मैं ना आई विल ट्राई टू हैक दिस वेबसाइट, ट्राई करते हैं. आई एम राइटिंग सम कमांड, यूजर नेम मेरे को जो पता है, जस्ट ट्राई आउट, एंटर करता हूँ, नहीं मुझे एक्सेस नहीं है, तो आपको ये स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा. आई एम राइटिंग सम पाइथन स्क्रिप्ट, सम सिस्टम कमांड्स मुझे एक्सेस मिलने के लिए. आप देख सकते हो मैं बहुत बड़ा कोड लिख रहा हूँ, आपको भी ये फॉलो कर रहा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं, इसके लिए मैं बहुत धीरे 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 जा रहा हूँ. आपको पता है मैं आंख बंद करके कर रहा हूँ ये, अब दो इतने फास्ट स्पीड से टाइपिंग कैसे हो रही है मेरी ये. आपको चाहिए तो डिक्रिप्टर रन कर सकता हूँ, आपको लगेगा कि पासवर्ड क्रैक हो रहा है, एंड यू कैन सी एज सून एज द पासवर्ड इज क्रैक आई गॉट एक्सेस टू द नासा वेबसाइट. ये सब फेक है, फेसबुक पे वीडियोस ऐसे बनते हैं, मैंने बहुत फटाफट बता दिया क्योंकि मुझे इस गलत चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. वेबसाइट ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है जो मिलते हैं, आप बोलते हैं ना ये डाउनलोड करो, वाईफाई क्रैक करने के लिए एपीके मिलता है, दिस ऑल आर द फेक वेबसाइट. यहाँ पे देखो वेबसाइट का नाम है गिग टाइपर. बहुत सारी मूवीज में तुम लोग जो देखते हो ना कि बहुत सारे हैक करते हैं, अभी मैं आपको ब्लैक मेसा करके एक बड़ा इंस्टीट्यूट है उसको भी हैक कर सकते हैं. दिस इज जस्ट सिमुलेटर, मैं कोई भी की दबा दूं आपको क्या लगेगा, आई एम राइटिंग द कोड. कोड देखो सेम ही, आई कैन रन द टर्मिनल और ऐसा लगेगा कि मैं वहां पे कुछ तो रन कर रहा हूँ, आपको लगेगा एक्चुअल में कोई तो मैं बड़े सर्वर पे काम कर रहा हूँ और एक्चुअल हैक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग सामने वाला जब तक इम्प्रेस नहीं होता है ना, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो ये सब कर सकते हैं छोटी छोटी चीज, जब तक वो एंटर दबाओगे तो एक्सेस डिनाइड आता है. जब तक सामने वाला इम्प्रेस नहीं होता तब तक एंटर दबा देगा, पता चला अभी सामने वाला फिसल रहा है
just you have to hit the shift and you get the access. ये क्या है सब फेक है. तो ऐसे ही वो लोग वीडियोस बनाते हैं और उनके वीडियोस आधा आधा घंटे के रहते हैं, आपको बहुत लंबा खींच के लेके जाते हैं और बाद में पता चलता है ये सब सिमुलेटर्स है. तो ऑलवेज इंश्योर दैट यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. हाँ देखो यूट्यूब पे गलत है ऐसा नहीं है, चेक करो, कमेंट्स देखो और फिर एक्सेस करो. तो बहुत सारे लोग है ना वहां से एक्सेस करते हैं, क्वेश्चन हमें आके पूछते हैं पर अरे वो सिमुलेटर है कि एक्चुअल है वो चेक कीजिए आप लोग एक बार, क्योंकि कमेंट्स में रहता है गाली दिया है मतलब समझ देने का सिमुलेटर है. अगर क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स आए मतलब सही है. फाइन, आई वांट टू शो द सेकंड पार्ट कि आप भी सब लोग के पास मोबाइल है, सब लोग लैपटॉप भी एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग साइड बाय साइड अभी जूम सेशन चालू रहेगा तो भी तुम लोग मोबाइल पे रहोगे तो मोबाइल में जाके गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना वेब के रॉबिन लिनस, ये सर्च करना. आई एम जस्ट शोइंग यू. मेरे को आपको बताना है कि आपको बिना बताए आपका कितना डेटा बाहर जा रहा है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है क्योंकि आपको भरोसा नहीं है. जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप रॉबिन लिनस, आपको देखने की जरूरत नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मोबाइल पे हो तो जस्ट गो एंड टाइप दिस. व्हेन यू पुट एंटर यू गेट अ फर्स्ट वेब लिंक, उस वेब लिंक का नाम है webk.robinlinus.com, राइट. अगर आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट कुछ आपको इस तरह दिखाई देगी, आप लोग अपने मोबाइल पे देख रहे हो तो चलेगा. दिस वेबसाइट इज मेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट कॉल्ड एज रॉबिन लाइनस. ही हैज मेड दिस वेबसाइट ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डेटा अ वेब ब्राउजर, आपके फोन का, आपके लैपटॉप का एक वेब ब्राउजर आपको बिना बताए कितना डेटा बाहर लेके जाता है. ये कौन बताता है ये वेब के लिए, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट है पर आई एम जस्ट शोइंग यू वन, क्योंकि स्क्रिप्ट के थ्रू भी देख सकते हैं पर आपको सभी अभी लिनक्स विनक्स पता नहीं है तो हम लोग वेबसाइट के थ्रू देखते हैं. डेटा क्या जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना. देखो आपका लोकेशन जाएगा, चेक करिए आपका सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल है. अभी मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ इसके लिए मेरा ऑपरेटिंग विंडोज 7 है, ब्राउजर कौन सा है, मेरा हार्डवेयर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी मेरा वेब ब्राउजर मेरे वेब सर्वर पे जाके बता रहा है. मेरा कनेक्शन आईपी एड्रेस बैक टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा है मेरा वो भी बताता रहेगा. अगर आप फोन पे रहोगे तो आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस भी बताता रहेगा. सोशल मीडिया आपके इसमें ज्यादा बताता रहेगा, मेरे इसमें कम. क्लिक जैकिंग, बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके इसमें इंस्टॉल्ड है आपको पता ही नहीं है जो आपसे डेटा चुरा के लेके जाते हैं, दैट विल बी देयर. ऑटो फिल, बहुत सारे फॉर्म्स जो है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड है वो. गायरोस्कोप आपका फोन में रहेगा तो आप अगर चेक करोगे तो ये कंपास मूवमेंट दिखाएगा, वो किसके लिए रहता है, फॉर गेटिंग द रोटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन. बट एक चीज अपने यहाँ पे ध्यान देनी है, दे कैन एक्सेस आवर हार्डवेयर. ये हार्डवेयर है आपका, एक हार्डवेयर डिवाइस है गायरोस्कोप, उसका वैल्यूज है ना वो एक्सेस करता है, वो एक्सेस करता है. देन वी हैव अ नेटवर्क स्कैन, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और नीचे वाला इमेजेस, आपको बिना बताए आपका वेब ब्राउजर आपके नेटवर्क के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर क्या कर सकता है. कैन आई आस्क अक्षय टू लॉक द मीटिंग, तो एडिट ऑप्शन अक्षय प्लीज लॉक द मीटिंग, तो ये जो एडिटिंग होता है वो है ना गलती से वो नहीं आएगा उनका. एक सेकंड सर मैं करता हूं. चलो आवाज आ रहा ना मेरा. हाँ. तो नेटवर्क स्कैन क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो आपके घर के अंदर का मुझे पता चल गया एक पॉइंट और मैं आपके घर के अंदर छान रहा हूँ, वैसे आपके वेब ब्राउजर से तो आपके फोन के अंदर, आपके फोन के फोन अगर ऑफिस में कनेक्टेड है तो ऑफिस का नेटवर्क, घर में कनेक्टेड है तो आपके वाईफाई के अंदर चार लोग कनेक्टेड है वो भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करके क्या फायदा था, अरे घर में कितने लोग हैं उतना तो पता चलेगा. अगर मुझे घर में चोरी करनी है तो मुझे पता चला अरे घर में दो ही लोग हैं तो मैं करूंगा, मुझे पता चला घर में 10 लोग हैं मार खाना है क्या मुझे वहां पे चोरी करके, तो नहीं करूंगा. सो वैसे ही नेटवर्क में भी स्कैन करके मुझे पता चलेगा कौन सा मशीन वर्नेबल है, कौन सा एप्लीकेशन है जो मुझे वीक है जिसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ. That can be done through a web network scan, most important. Next, we have images.
अभी इमेजेस क्या करता है, आपने आपके ब्राउजर को बोला है कि देख भाई मेरा गैलरी में से फोटो देख, या फिर मेरे लैपटॉप में से फोटोज देख, एक्सेस कर तू। क्यों वेब ब्राउजर को क्यों चाहिए? जब भी आपको अपलोड करना है आप डायरेक्ट करो ना, वेब ब्राउजर को एक्सेस क्यों चाहिए? एंड देयर आर मेनी शेमलेस एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन योर फोन और लैपटॉप। तो मुझे सिर्फ इतना बताना था, हैकिंग, इथिकल हैकिंग, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, सीखने वाले, ये ऐसे नहीं होता। सामने वाला कुछ तो छोड़ता है, एक पॉइंट, हम लोग उसको बोलते हैं वर्नेबिलिटी, वीकनेस छोड़ता है। हम उस वीकनेस को पकड़ के उसके ऊपर अटैक करते हैं। अगर आपने वीकनेस छोड़ा नहीं तो आपका अटैक होना पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वाईफाई हैकिंग हम लोग जब भी करेंगे तभी आप देखोगे, पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कितने लोग के पास यहाँ पे MTNL का वाईफाई राउटर है घर पे? कोई है 30-40 लोगों में जिनके पास घर पे MTNL का वाईफाई राउटर है? नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपके आजू बाजू वालों में कोई रहेगा जिनके पास MTNL का वाईफाई राउटर है, उनका पासवर्ड है ना, उनके घर में से तीन या चार लोगों का मोबाइल नंबर निकालो, उसमें से एक पासवर्ड उनका रहेगा 100%। और मैं इसका सक्सेस रेशियो बताता हूँ 90%। 10% लोग ही चेंज करते, बाकी 90% MTNL राउटर इन मुंबई एंड दिल्ली, क्योंकि उधर ही सेटअप है इनका, दे हैव द राउटर पासवर्ड एज द मेंबर फोन नंबर, मोबाइल नंबर। घर में चार ही रहेंगे, पांच रहेंगे, दस रहेंगे, जितने भी रहेंगे, उनके मोबाइल नंबर ही उनका पासवर्ड है। तो ये क्या है, हम लोगों ने वीकनेस दिया है ना। वो जिसके पास नॉलेज है वो आपके फटाक से चार लोग का मोबाइल नंबर निकाल लेगा, देयर आर मल्टीपल वेज, और वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बोलोगे हैकिंग किया क्या? नहीं, सामने वाले ने वीकनेस दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग। हम लोग अगर प्रोटेक्ट करेंगे, देयर विल बी नो विक्टिम फॉर द अटैकिंग। तो मैं जिस कंपनी के लिए काम करूंगा, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, तो मेरा काम क्या है अभी, माय कंपनी, माय ऑर्गेनाइजेशन और माय सेल्फ और माय एम्प्लॉयज शुड बी लेस वर्नेबल टू द अटैक्स। कम से कम इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे या इंटरनेट पे होनी चाहिए, तो मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जितना कम इंफॉर्मेशन आप रखोगे, उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव मोड में आप रहोगे। फाइन, तो ये है, क्योंकि हैकिंग करना ऐसा नहीं कि उड़ के कर दिया। अगर सामने वाले ने इतना स्ट्रांग करके रखा, क्या क्रैक करोगे आप? नहीं कर सकते। तो आपको आता नहीं है ऐसा नहीं है, आपने सारी कोशिशें की पर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने वाले ने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ज्यादा रखा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड, मैंने ये वेब के इसलिए आपको दिखाया कि व्हेनेवर यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कहां कहां से चोरी हो सकती है। देखो, चोर को पकड़ना है तो चोर के जैसा सोचना पड़ेगा। हमें पुलिस बनना है, चोर नहीं। जो भी मैं अटैक बताऊंगा, दे आर नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इट इज फॉर प्रोटेक्शन, कि आप इसके विक्टिम ना रहो। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन इसका विक्टिम ना रहे। आप जिस सर्टिफिकेशन को लोग के लेके जॉब करोगे, वो कंपनी उसका विक्टिम ना रहे। तो वो करने के लिए आपको पहले चोरी करने आना चाहिए, और फिर आपको पता चलेगा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो हमारा अप्रोच ऑफ लर्निंग टूडे विल बी द सेम, या फिर ईयर आफ्टर फॉर 9 डेज विल बी द सेम। हम लोग अटैक सीखेंगे, मतलब चोरी करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है वो इंश्योर करेंगे, और अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो वो अटैक नहीं होगा। कितना सिंपल हो गया। तो जो लोग मोबाइल पे है उनको क्या टेंशन है कि नहीं मेरे को क्या करना है, चलो ठीक है, मुझे अटैक करने के लिए नहीं मिल रहा तो मैं प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो लेके आ सकता हूँ। अगर आप देखोगे वेब के में ही, आपके मोबाइल पे नीचे जाओ और है ना, लास्ट में है ना, सबके नीचे प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। देखो, सब अटैक जो जो डेटा लिया है ना, उसमें सब में प्रिवेंशन है, हाउ द प्रिवेंशन कैन बी मेड। आप लोग करके देखो ना कि यार ये एक्सेस नहीं देना, ये एक्सेस, तो आप उतने सारे अटैक से क्या हो गए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया आपने। तो दिस इज हाउ द थिंग हैपन। There is no attack directly made on anyone randomly. There is a process to find the victim and then make attack. हमें victim नहीं बनना, ये हमारा intention है. Okay? So that was the fun part. Coming to the first outline of today's. कोई तो drawing कर रहे हैं अपने screen पे. अच्छा. तो हमें क्या दिया था? मैंने आपको तीन set of files दिए थे, right? उसमें क्या था? Download करने के लिए दिया था.
तो उसमें क्या था, ये ऐसा कुछ iOS होता काली लिनक्स, यहाँ पे 2016 की जगह पे आपके यहाँ पे रहेगा 2019.2 AMD64.ISO, राइट? ये क्या है, बहुत लोग ने क्वेश्चन पूछा, सर ये क्या है? We'll start from that. This is a ISO, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है अगर आपने पढ़ा रहेगा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम इन टू द कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन एंड विच क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ब्रिज में आपके लिए बोल रहा हूँ, ये तो क्या है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. इतना सिंपल डेफिनेशन है तीन लाइन का. तो ये क्या है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करेगा, मुझे मेरे हार्डवेयर से बात करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे विंडोज का. तो विंडोज और इसमें डिफरेंस क्या है सर, विंडोज में है ना हमें कुछ भी करना है तो एक एक छोटी छोटी चीज इंस्टॉल करनी पड़ती है. मुझे मूवी देखना है तो VLC इंस्टॉल करना पड़ा, मुझे जूम देखना है तो मुझे जूम इंस्टॉल करना पड़ा. तो वैसे ही कोई अटैक करना है मुझे, जाके कल है ना फॉरेंसिक्स करना है, डिजिटल फॉरेंसिक्स करना है, मुझे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को रिकवर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा. और वो पैकेज इंस्टॉलेशन के साथ है ना बहुत सारी चीजें आती है. तो काली लिनक्स ने आपको वो काम सिंपल किया. काली लिनक्स ने क्या बोला, आई एम अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेडिकेटली मेड फॉर हैकिंग. तो जितने भी टूल्स जो लगते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या, एंटर करना किस सिस्टम के अंदर, हैक करना हम लोग बोलते हैं लेमैन टर्म में, प्रोफेशनल लोग उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, कि एंटर करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है उसको सारे टूल्स लगते हैं, वो इसके अंदर बंडल करके इंस्टॉल करके आपको दे दिए, आपको एक एक करके इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा. समझ में आया, दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. या ISO इज एक्सटेंशन, जैसे EXE होता है वैसे OS का एक्सटेंशन है ISO, राइट? कर्नल प्रोग्राम है सबसे पहले. अभी सेकंड पॉइंट है सर, आपने और एक दिया VMware Workstation. अभी जिन लोगों को पता है ठीक, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ. अगर मुझे दो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए मेरे मशीन में, एक लैपटॉप है जिसके अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज 10 है आपका सपोज, और आपको और एक चाहिए Ubuntu चाहिए, तब क्या करोगे, आप ड्यूअल बूट करोगे, हार्ड डिस्क को दो पार्टीशन में डिवाइड करके दो बूट, दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखोगे, तो एक बार विंडोज में जा सकते हो या फिर Ubuntu में जा सकते हो. पर अगर आपको विंडोज में रह के ही Ubuntu यूज करना है, या तीन चार एप्लीकेशन यूज करना है, तीन चार ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो क्या, तो वी हैव अ VMware Workstation, वर्चुअल बॉक्स और VMware दो है, उसमें से हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है VMware. आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन तो VMware. अभी VMware क्या करेगा, जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जिन लोग को नहीं पता था ना, जो लोग लैपटॉप पे, इनको पहला स्टेप क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड इंस्टॉल. मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड इट, बट आई विल जस्ट शो द स्टेप्स. डबल क्लिक जैसे ही करोगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा. तो यू कैन राइट डाउन इन योर बुक, स्टेप्स लिखो, क्योंकि ये आपको लगेगा जब भी आप लैपटॉप पे आराम से बुक करोगे, तो स्टेप लिखो. स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल VMware. ओके, इंस्टॉल VMware. जैसे आप इंस्टॉल करोगे VMware, आपका इंस्टॉलेशन, जैसे कैसे VMware में कुछ अलग काम करना पड़ जाएगा, कुछ नहीं, नॉर्मल विंडोज का जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस वैसे ही करते जाना, बाकी कुछ नहीं, ये खुद ब खुद चालू हो जाएगा. मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल, ये तो मुझे अनइंस्टॉल करने के लिए बोलेगा पहला वर्जन. ओके, सो आई जस्ट क्लोज. तो एक बार ये VMware इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या होता है, सॉरी स्टॉप द प्रोसेस, I'll just stop the process. Wait. I have stopped the VMware version. So, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? Install करना है. Install होने के बाद आप लोगों को क्या आएगा? ऐसा कुछ तो आएगा. VMware. देखो ऐसा कुछ तो आएगा. VMware Workstation है. VMware Player. We have to go to the step number 2. Go to, after installation, go to VMware Workstation. Start VMware Workstation. So second step. So, ye kya karega?
इट विल ओपन अ वर्चुअल मशीन. अभी देखो एक एप्लीकेशन के जैसा है, आपके कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर है, वर्चुअल मतलब क्या, एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर ही और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, पर एक फाइल के जैसा. नहीं चाहिए तभी बंद कर दो, अभी मुझे वीएमवेयर नहीं चाहिए तो मैं बंद कर दूंगा, और मैं विंडोज पे आ गया तो मुझे ना उबंटू पे काम करूँ, वापिस गया वापिस यहाँ पे आ गया. तो ओपन किया स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन. क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन यहाँ पे आ गया. टिपिकल सिलेक्ट करना क्योंकि आपको सेटिंग्स नहीं करना है कुछ. नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखना, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ISO, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल. मतलब अपने को अभी यहाँ पे कौन सा फाइल देना है, जो मैंने आपको सेकेंड फाइल दिया है ना ISO का, काली लिनक्स 2019, वो फाइल आपको क्या करना है यहाँ पे प्रोवाइड करना है. तो आई गो टू ब्राउज, देखो यहाँ पे मेरे फोल्डर में है, ये आपको दिया हुआ लिनक्स LXDE विद डेस्कटॉप एनवायरनमेंट LX, जो लाइट वेट है, नहीं तो नॉर्मल भी आता है, ऊपर वाला नॉर्मल है, LXDE नहीं लिखा, कुछ नहीं फर्क पड़ता आपके लिए नॉर्मल अच्छा है, इसके लिए वो दिया है लाइट वेट. तो ये सिलेक्ट किया और ओपन किया. तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम उठा, देखो लिख दिया पाथ आ गया पूरा अपना, पाथ वैसा होगा, ये स्टेप नंबर 4 रहेगा आपका, गिविंग अ पाथ ऑफ, गिविंग अ पाथ ऑफ ISO इन इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल. नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लिखना 2.4.x करना 64 बिट, ये 64 बिट है. अगर आपके पास लैपटॉप पुराना है तो मेरे को बाद में क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जहाँ पे 32 बिट वाला भी मिल जाएगा. और जिन लोग को 32 बिट और 64 बिट नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग सिर्फ चैट बॉक्स में प्लीज एक्सप्लेन करके लिख देना, तो मुझे करना है कि नहीं करना है पता चलेगा बाद में, कि 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. जिनको नहीं समझ में आता, जिनको समझ में आता है अच्छी बात है. ओके, अदर लिनक्स 2.4 लिनक्स कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, हमने 2.4 सिलेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे वर्चुअल नेम, स्टेप नंबर 5, गिव द वर्चुअल मशीन नेम. आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको अपना नाम देना है तो भी चलेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो जाएगा. आई एम गिविंग काली लिनक्स. नेक्स्ट यहाँ पे वो पूछ रहा है आपके मेमोरी का कितना GB, हार्ड डिस्क का कितना स्पेस लेगा, तो वो बोल रहा है कि 8 GB स्पेस चाहिए, आप यहाँ पे 10 GB कर देना, अलोट एलोकेट 10 GB ऑफ मेमोरी स्पेस. और यहाँ पे लिखना है स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल, तो मल्टीपल 10-12 फाइल हो जाता है, उससे अच्छा एक सिंगल फाइल में कर देना. आपको कल जाके यहाँ से लेके जाके कॉलेज में करना है, आपको सिर्फ ये फाइल लेके जाना है, डबल क्लिक करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. तो आपने कौन सा लिया, सिलेक्ट द साइज एज 10 GB एंड स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल. नेक्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर देख रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं ना वैसे हार्डवेयर है, मेमोरी कितना देना है 384, आपको मेमोरी चेंज करना पड़ेगा. अगर आपका 4 GB मशीन है तो यहाँ पे मेमोरी देना 2 GB. ओके, मैं 1 GB दे रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 GB मशीन है. तो आपका 4 GB मशीन है तो आपको मेमोरी कितना देना है, रैम कितना देना है. मतलब क्या हो रहा है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसको 1 GB रैम दे, प्रोसेसर कितना देना है, एक ही प्रोसेसर यूनिट दे, अगर आपका क्वाड कोर रहेगा तो 4 में से 2 ही इसको दे, ऐसा हम लोग उसको बता रहे हैं. और एक सेटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क एडाप्टर, यहाँ पे नेट मोड होना चाहिए. नेटवर्क एडाप्टर क्या होना चाहिए, नेट मोड होना चाहिए. अभी एक ने क्वेश्चन पूछा, कैन वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन डी ड्राइव, यस यू कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन इन डी ड्राइव, कहाँ पे भी करो, ये पाथ है ना कुछ भी देखो, मैंने पाथ आपको पाथ आएगा कहाँ पे सेव करना है इसको, सबको जहाँ पे सेव करना है वहां पे करो. By default it gets saved in C drive, My Documents के अंदर सेव होता है. My Documents के अंदर वर्चुअल मेमोरी करके, वर्चुअल मशीन करके फोल्डर बनता है, उसके अंदर सेव होता है. आपको कहाँ पे भी करना है तो आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा. ओके, आई विल रिपीट द स्टेप, मैं एक बार और एक बार रिपीट करूँगा, कंप्लीट करता हूँ फिर मैं रिपीट करता हूँ. मतलब क्या हो जाएगा, जिनका काम हो गया वो लोग फ्री हो जाएंगे, ओनली फोकस फॉर द टारगेट ऑडियंस. ओके, एक अनाउंसमेंट है,
the V2V class want to make the announcement for you. So I just stop. You can take over. Okay. Actually, I see one candidate here, jiska ID hai F6FEDE5F. मतलब ये कौन है, कोई बताएगा क्या? Because we don't know who is this. सर प्रतीक अष्टेकर बताया ना मैंने. प्रतीक अष्टेकर और एक यहाँ पे कोई है joined with that same different ID. क्योंकि मैंने उनको प्राइवेट में भी मैसेज किया, no one is replying. ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर. वन मिनट सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. हेलो हाँ सर, मेरा ई से करके नाम था, मैंने फिर चेंज कर दिया. ओके हेलो, आपका नाम, आपका नाम क्या था, नाम क्या है आपका? ई समथिंग था लेकिन अभी मैंने प्रेमजीत. हाँ बट आपका नाम क्या है? प्रेम ही नाम है ना आपका? प्रेमजीत. प्रेमजीत, ओके ओके थैंक यू. और सब लोग जब आप लॉग इन कर रहे हो ना तो अपने अपने नाम से प्लीज लॉग इन करो, सो दैट हमको समझ में आए. इवन प्रतीक अष्टेकर, फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आप क्या करो कि आपका जो भी नाम है वो आना चाहिए, वो मेक श्योर करो. अगर आपको नहीं पता कहाँ नाम डालना है तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा कैसे रीनेम करना है. हाँ सर, ओके पता है. ओके थैंक यू वेरी मच सर, एंड सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन. अभी दो क्वेश्चंस आ चुके हैं, आई विल जस्ट एंड दिस. सब लोग बोल रहे कि सर हम लोग का वर्जन जो आपने दिया वो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि आपका 32 बिट रहेगा. ये मैंने 32 बिट के हिसाब से दिया है, 64 बिट रहेगा तो चलेगा, पर ये वर्जन चलना चाहिए आपके. अगर नहीं चलता है, वीएमवेयर का कोई प्रॉब्लम है, वर्जन नहीं चलता, जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड डाउनलोड वीएमवेयर वर्क स्टेशन. एक महीने के लिए पर्सनल यूज के लिए फ्री है. ओके, एक महीने के वापस इंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना, या फिर क्रैक निकालने आपको तो क्रैक तो बहुत सारे मिल जाते हैं. सो इफ समवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद द वर्क स्टेशन, ये मैंने क्यों दिया है 10, क्योंकि ये लाइसेंस कॉपी है, फुल वर्जन है, आपको कभी प्रॉम्प्ट नहीं आएगा बीच में. तो जिन लोग का इश्यूज आ रहा है वो लोग कर सकते हैं. आई और एक जन है कि कैन यू रिपीट द प्रीवियस नेम, आई विल रिपीट बट आई विल कंप्लीट दिस फर्स्ट. आपको क्या करना है, दो चीजें चेंज करनी है. फर्स्ट मेमोरी में यू हैव टू गिव अ मेमोरी दैट यू वांट. अगर आपका 8 GB है, यू 4 GB टू दिस मशीन, जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा तो. और सेकंड इंपॉर्टेंट है, गो टू द नेटवर्क अडैप्टर. इन द नेटवर्क अडैप्टर ऑलवेज सेट नेट. अभी प्लीज अपने बुक में क्लिक के रखना, ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कम बताया भी जाता है और समझने के लिए डिफिकल्ट है. नेट मतलब क्या मालूम है? नेट मतलब आप अभी कंप्यूटर है ना, वर्चुअल कंप्यूटर है, तो वायर कहाँ पे लगाओगे इंटरनेट के लिए? तो आपके बाहर वाले लैपटॉप के लिए जो वाईफाई राउटर है या फिर वायर है, उधर से इंटरनेट आता है. अंदर वाले कंप्यूटर को वायर किधर लगाओगे? तो नेट मतलब क्या बोलता है ना, मैं ना बाहर वाला होस्ट कंप्यूटर आईपी एड्रेस शेयर करूंगा, मतलब मैं इंटरनेट किससे शेयर करूंगा, मेरे बाहर वाले कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड होस्ट. तो यहाँ पे दो नाम बोलते हैं, वी कॉल इट अ होस्ट कंप्यूटर विच इज अ विंडोज मशीन वेर यू इंस्टॉल द वीएमवेयर, और वीएम कंप्यूटर मतलब वर्चुअल मशीन कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग काली इंस्टॉल कर रहे हैं. तो हम लोग शेयर करेंगे बाहर वाले से. अगर ब्रिज मोड रखते हो, ब्रिज मोड मतलब क्या, इट इज लाइक अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्या है जब भी आपका कंसेप्ट आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा आईपी में डिफरेंस करके. पर नेट मोड क्या बोल रहा है कि वर्चुअल मशीन इज रिक्वेस्टिंग अवर होस्ट कंप्यूटर टू शेयर हिज इंटरनेट. मतलब अंदर भी इंटरनेट चलेगा क्या? हाँ चलेगा. कौन देगा इंटरनेट इसको? अपना बाहर का जो होस्ट कंप्यूटर है ना, वो इसको इंटरनेट देगा. समझना, दिस आर द टू सेटिंग्स दैट यू हैव टू डू मेनली. हो गया, क्या सेटिंग किया आपने यहाँ पे, मैं वापस बता दूं. कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके आपने अपना रैम बढ़ाया और नेटवर्क अडेप्टर नेट है कि नहीं चेक किया. मोस्टली नेट ही रहेगा फर्स्ट टाइम जो भी करते हो, पर कभी कभी ब्रिज भी रहता है तो नेट कर देंगे. ओके एंड फिनिश, आपका काम हो गया. देखो कंप्यूटर आ जाएगा अभी आपके इसमें, बस इतना ही. दिस इज अ कंप्यूटर इनसाइड अ कंप्यूटर. देखो कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया कि आपने जो दिया था. व्हेन यू पावर ऑन दिस मशीन, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट हिट ऑन द पावर ऑन बटन. व्हेन यू पावर ऑन, देखो कंप्यूटर चालू हो गया जो कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाहर अपना विंडोज चल ही रहा है. जो विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है. एट द सेम टाइम आई एम रनिंग अ टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई कंप्यूटर. हाँ, अभी मेरे को एरर देगा, आपको नहीं देगा, मेरे को एक एरर देगा, क्योंकि मेरा 64 बिट नहीं है, मेरा 32 बिट प्रोसेस है, तो मुझे एरर देगा. आपको एरर नहीं देगा. आपको क्या प्रॉम्प्ट करेगा मैं बताता हूँ. आप जब ये ओपन करोगे ना,
कंप्यूटर चालू हो जाएगा, आपको एक ब्लू कलर का स्क्रीन आएगा, वहां पे दो ऑप्शन है, एडवांस काली लिनक, ये लिखना है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता। आफ्टर पुटिंग अ पावर ऑन, जैसे हम लोग मशीन ऑन करते वैसे पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन, पावर ऑन वर्चुअल मशीन, कंप्यूटर चालू हो जाएगा, बहुत सारे लाइन्स आएंगे, फिर एक पेज आएगा, उस पेज में लिखा हुआ रहेगा लाइव, एक काली लिनक्स बड़ा लिखा हुआ रहेगा काली लिनक्स, उसके नीचे ऑप्शन रहेंगे लाइव काली, लाइव काली फॉर फॉरेंसिक्स, लाइव काली फॉर इनडेप्थ फॉरेंसिक्स, इंस्टॉल इन सेफ मोड, ऐसे 6-7 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज लाइव काली लिनक्स। वो मैं नहीं दिखा सकते, जैसे बूटिंग प्रोसेस नहीं दिखा सकते ना, वैसे मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइव काली लिनक्स। कल चाहिए तो मैं किसी का मशीन एनी डेस्क पे लेके आपको चाहिए तो दिखा दूंगा, डेमो कर दूंगा, आपका किसी का और का मशीन मैं करके दिखा दूंगा पहले स्टार्टिंग 5 मिनट में, तो आपको समझ में भी आ जाए। तो लाइव काली लिनक्स सिलेक्ट करना है। सर लाइव काली लिनक्स क्यों करना है, इंस्टॉल नहीं करना है? आप लोग अभी फर्स्ट टाइमर यूजर है तो इंस्टॉल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बाद में आपने कोई चेंजेस किया, कोई सिस्टम फाइल उड़ा दिया, तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइव में क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो ना वो सिर्फ रैम में सेव हो रहा है, जैसे ही पावर ऑफ कर दोगे रैम में से सब वैनिश, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जैसा फ्रेश और न्यू हो जाएगा। तो आई रिकमेंड यू फॉर इनिशियल स्टेज टू यूज अ लाइव काली लिनक्स, बाकी कुछ नहीं। लाइव काली लिनक्स जैसे हिट करोगे आपका काली लिनक्स चालू हो जाएगा। यूजर नेम में लिख लो अपना, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है टूर, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है टूर, मैं लिखता हूं यहाँ पे यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज टूर। ये बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड जो काली लिनक्स के साथ आता है। अगर आपने नेट पर से काली लिनक्स 2020 डाउनलोड किया है तो यूजर नेम रहेगा काली, पासवर्ड भी रहेगा काली, यू कैन चेंज इट लेटर ऑन, पर अभी आपको जो 19 तक जितने वर्जन सबका यूजर नेम पासवर्ड ये है, आप चेंज कर सकते हो बाद में। फाइन, अभी क्वेश्चन है सर कहाँ पे जाके किसमें जाके सिलेक्ट करना है लाइव काली लिनक्स, मैंने कहा मैं वापस बताता, अभी मैं पूरा स्टेप वापस बताता हूँ, लेट्स चेक हाउ यू कैन डू इट। मैं वापस कर रहा हूँ सर, देखते आपने VMware इंस्टॉल किया जैसे विंडोज करते हैं, गो टू VMware, जिन लोगों ने नहीं लिखा या फिर ध्यान नहीं था वापिस एक बार देख लो, वो तो VMware अभी ऑलरेडी क्रिएट किया है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए तो बंद कर देने का खत्म, इट इज लाइक अ फोल्डर, शिफ्ट डिलीट कर दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया, राइट right? इसका एडवांटेज है VM का। यू हैव टू वापिस स्टार्ट करके क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, एवरी टाइम करना नहीं पड़ेगा, इट इज फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इंस्टॉलर डिस्क इमेज, यू हैव टू गिव अ पाथ ऑफ यूर काली, आपने जो कहाँ पे कॉपी किया है ना, मैंने कॉपी किया है डी ड्राइव में, तो वो पाथ आपको देके ये फाइल सिलेक्ट करनी है बस, देन गो टू नेक्स्ट लिनक्स, यू कैन सिलेक्ट एनी कर्नल 64 बिट, नेक्स्ट देखो ये पाथ था, आपको जो क्वेश्चन पूछा था ना सर मुझे डी में करना है, मैं बैक आया तो डी में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू गो टू द डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे फोल्डर बना के उसके अंदर कर दो, हमेशा कंपेयर, अभी बाय डिफॉल्ट गो टू द डॉक्यूमेंट एंड वर्चुअल मशीन, उसके अंदर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम डिस्क साइज विल बी 10, स्टोर द वर्चुअल मशीन एज सिंगल फाइल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंजेस करना है, रैम आपका जितना है उसका हाफ रैम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके आई विल जस्ट गो स्लो, चलो ठीक है, बैक बैक बैक, चलिए इधर से चालू करो वापस, चलिए हाँ, आई हैव गिवन आईएसओ पाथ ओवर हियर, देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, फाइन यू कैन सिलेक्ट एनी एनी 64-bit प्रोसेसर। ISO path कैसे सिलेक्ट करने का? ISO path कैसे सिलेक्ट करने का? ISO path कैसे यहाँ पे ब्राउज़ करके किया ना हम लोगों ने,
यहाँ पे आपने जो डेस्कटॉप पे रखा है इमेजिन करके, मेरे पास एक डेस्कटॉप पे आइसोपैक है, देखो आइसोपैक जैसे कोई फाइल सिलेक्ट करते हैं ना हम लोग अपलोड करने के लिए गूगल में, वैसे ही सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने आइसोपैक सिलेक्ट किया, नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग्स किया, नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो आपके लिनक्स को नाम देना है वो नाम दे सकते हो, आई एम गिविंग काली लिनक्स, नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम दिया बैकअप, नेक्स्ट आई एम गिविंग द मैक्सिमम डिस्क साइज एज 10 GB, 10 GB मेमोरी साइज दे रहा हूँ, और स्टोर इन वर्चुअल मशीन, एक ही फाइल बनाओ, मल्टीपल फाइल मत बनाओ ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक ही फाइल बनाओ लाइक अ फोल्डर और लाइक अ फाइल, एक फाइल का नाम रहता है VMDK करके फाइल बनता है, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन डिस्क इमेज करके एक फाइल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइल का नाम दिया कस्टमाइज हार्डवेयर, कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके गिव द रैम दैट एवर वॉट एवर रैम यू वॉन्ट, प्रोबेबली इफ यू आर रनिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम दो आधा आधा करके दे दो, चार कर रहे हो तो एक एक GB दे सकते हो चारों को, अब चाहिए उतने ऑपरेटिंग सिस्टम ला सकते हो, इट्स अपॉन योर कंप्यूटर कैपेसिटी। तो यहाँ पे सेकंड इंश्योर क्या करना है, नेटवर्क अडेप्टर मैप है और मेमोरी साइज इनाफ है, मेमोरी साइज इनाफ है, क्लोज एंड फिनिश, हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन पावर ऑन वर्चुअल मशीन, जैसे ही पावर ऑन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे थोड़ा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, जैसे विंडोज लोड होता है ना वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, और लोड होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा, पहला पेज आएगा ब्लू कलर का, काली लिनक्स क्लिक करेगा बड़ा अच्छे उधर रहेगा ऑप्शन लाइव लिनक्स, सिर्फ उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगा यूजर नेम पासवर्ड करने के लिए, यूजर नेम पासवर्ड डालना है रूट और टूर, यूजर नेम रूट पासवर्ड टूर, बस आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया, आप यूज कर सकते हो। फाइन क्लियर, अभी इसमें दो रूल है आपके पास, पावर ऑन करने के बाद, ओके पावर ऑन करने के बाद पावर ऑन क्लिक किया, इट विल गो ऑन अ स्क्रीन, देयर विल बी अ ब्लू स्क्रीन रिटन अ काली एंड देयर विल बी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे विंडोज के लिए आता है ना ड्यूअल बूट में दो तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, लाइव लिनक्स, लाइव काली करके सिलेक्ट करना है, लाइव काली AMD64 ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो सिर्फ लाइव पे क्लिक करना है, एक ही ऑप्शन रहेगा सबसे पहला ऑप्शन बस, बाकी कुछ नहीं। बाद में फिर कैसा विंडोज में जैसे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो ऐसे एंटर करो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सर? सर हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलिए ना। सर यहाँ पे लाइव AMD64 आया है, उसके बाद नीचे एक और लाइव AMD64 फेल से बोला ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ना, ओके सर, ओके। तो लाइव लिनक्स जैसे चालू होगा, फ्रेंड का चालू हो गया, ही विल बी डूइंग इट रूट एंड टूर, और लॉगिन हो गया, आपका लाइव लिनक्स आ गया। अभी छोटी सी ध्यान देने वाली बात है, आपके पास कंप्यूटर दो हो गए, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, और एक बाहर वाला विंडोज, पर कीबोर्ड और माउस तो एक ही है, कीबोर्ड और माउस तो एक ही है, तो अंदर कौन सा यूज करे बाहर कौन सा यूज करे, एक कंट्रोल सेटिंग्स में मैं बता देता हूं। अगर आपको अंदर जाना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस जी, यू विल योर कीबोर्ड एंड माउस विल वर्क इनसाइड द वर्चुअल मशीन। आपको वर्चुअल मशीन से बाहर आना है, टू गो इनसाइड द वर्चुअल मशीन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल जी, तो आपका कीबोर्ड और माउस कहाँ पे चलेगा, विल रन इनसाइड द वर्चुअल मशीन, एंड टू कम आउट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस Alt, बस ये दो, ये करने से क्या होगा, आपका कीबोर्ड और माउस का कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, होस्ट कंप्यूटर में आएगा, नहीं तो आप अंदर रहोगे ना बाहर का कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, तो करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ऑल्ट कंट्रोल, आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और कंट्रोल जी करोगे तो कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा। तो दिस आर द टू वेज, ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगा, नीचे लिखा हुआ भी आएगा, ऐसा कुछ बड़ा नहीं बता रहा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कंट्रोल जी टू गेन द एक्सेस इन द वर्चुअल मशीन एंड ऑल्ट प्लस कंट्रोल टू कम आउट। ये दो चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि कीबोर्ड माउस तो एक ही अपने पास। फाइन,
मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके दिखाता हूँ कैसे रहेगा, टेंशन मत लीजिए। इंस्टॉलेशन समझ में आया? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी ये तो आप कर सकते हो खुद से, एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ क्वेश्चन है वापिस हम लोग कल मिलने वाले हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी सिंपल में जाते हैं, और अभी सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द आईपी एड्रेस या नेटवर्किंग। तो वो समझने के लिए आपको थोड़ा भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा हमारा एक कंसेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कितने लोग। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, कौन से है? चैट बॉक्स में डाल दो सब लोग, तो मेरे को पता चलेगा। तब तक मैं अपना सेटिंग चेंज कर देता हूँ। चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपका IPv4 एंड IPv6, बहुत लोग डाल रहे हैं। इट इज IPv4 एंड IPv6। IPv4 का साइज कितना है, IPv6 का साइज कितना है? सर IPv6 128 bit, 128 bit, और IPv4 64 bit, राइट? अभी और एक क्वेश्चन देखते दिमाग में। आईपी एड्रेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, बता सकते हैं कौन से दो पार्ट में डिवाइड है प्रैक्टिकली? आईपी एड्रेस 32 बिट पकड़ लो, वो भी दो पार्ट में। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। चलो ठीक है, आप लोग आंसर बताओ फिर हम लोग देखते हैं। आपने जो आंसर बोला ना उसको हम लोग लिख के रखते हैं, पर एक ने बोला स्टैटिक और डायनामिक, और द आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 ले लेते हैं 32। The IP address itself is divided into two parts. आप टाइप कर सकते हो अगर आपको पता है, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। नहीं पता? और कोई तो ट्राई तो करो, किधर अपने को पैसा मिलने वाला है या कोई गाली देने वाला गलत हुआ तो। आईपी एड्रेस V4 है, IPv6 भी, IPv6 का सवाल नहीं आता कि उसमें वो कंसेप्ट नहीं है, इसके लिए बोला IPv4 get divided itself into two parts. Someone said network and host. चलो ठीक है, network and host. हाँ, पीयूष ने सही आंसर दिया है, network and host. Last four digit are port. देखो किसने, अक्षय ने बोला कि last four digit are port. Four digit are port. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ सर, नॉट समथिंग। ओके, दिस वन एरर, आई विल जस्ट एंड आफ्टर दिस सेशन एंड आई विल एंड इट अप। फोर डिजिट, लास्ट के फोर डिजिट नंबर रहते हैं पोर्ट में। चलो ठीक है, अभी इतने अपने फ्रेंड्स ने इतने सारे आंसर दिए, उसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। अभी समझते हैं आईपी एड्रेस क्या है। देखो आईपी एड्रेस का बहुत मस्त कंसेप्ट है, एकदम मस्त कंसेप्ट है, जिसको समझ में आया ना ही कैन, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है दिमाग में। चालू करते हैं। पिन कोड नंबर पता है ना सबको, पिन कोड नंबर से एग्जांपल लेते हैं। पिन कोड नंबर इज ऑफ 6 digit, ओके, द पिन कोड नंबर इज ऑफ 6 digit। ये पिन कोड नंबर आपको पता है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सोचो सोचो, मैं बताता हूँ, सोचो। पिन कोड नंबर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट टू डिजिट आइडेंटिफाई द स्टेट, नेक्स्ट टू डिजिट आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट इन दैट स्टेट, एंड द लास्ट टू डिजिट आइडेंटिफाई द एरिया इन दैट डिस्ट्रिक्ट। सो पिन कोड क्यों बता रहा, आईपी एड्रेस इधर से ही आया है। आपका पैकेट कैसे आता है ना पिन कोड देख के, वैसे आईपी एड्रेस भी वैसे ही काम करता है एग्जैक्ट। अभी आईपी एड्रेस को बाजू में रखते हैं, पिन कोड का कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होता है। सपोज यू आर इन मुंबई, मुंबई में माहिम में हो पकड़ लो एग्जांपल, एंड योर पिन कोड नंबर इज 400016 एग्जांपल, योर नेम इज बी, एंड देयर इज वन पर्सन ए हु इज स्टेइंग इन पकड़ लो गोवा, ओके, गोवा में रह रहा, उसका कोई पिन कोड नंबर रहेगा, या फिर दिल्ली पकड़ लेते, दिल्ली का मुझे थोड़ा बहुत तो पता है,
10010101 एग्जांपल। अभी ये क्या हो रहा है, जब भी ए को कोई पैकेट या लेटर भेजना है तो वो क्या लिखता है लेटर में, हम लोग क्या लिखते हैं लेटर पे, तो पहले लिखते हैं नेम, फिर लिखते हैं उसका एड्रेस और लास्ट में लिखते हैं पिन कोड नंबर, राइट। ये चीज इतना चीज लिखते हैं हम लोग, ए का लिखते हैं हम लोग नेम एड्रेस एंड पिन कोड। ध्यान से रखो, आपको बाद में ना सिर्फ बताना है कि आप लोग नेटवर्किंग में क्या करते हैं और आपको खुद को खुद नेटवर्किंग समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये लेटर वो लिखता है और कहां पे जाके डाल देता है, ही पुट डाउन इनटू द पोस्ट बॉक्स, स्टेट पोस्ट बॉक्स में जाके लेटर डाल देता है। अपने वॉचमैन अंकल सॉरी पोस्टमैन अंकल आते हैं, पोस्टमैन अंकल यहाँ से सब पोस्ट निकालते हैं दिल्ली में से और कहां पे चले जाते हैं, ही गोज टू हिज होम पोस्ट ऑफिस, मतलब दिल्ली का चांदनी चौक है, पकड़ चांदनी चौक पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन अंकल ने क्या किया, सब लेटर लाके यहाँ पे डंपिंग किया। यहाँ पे वो लोग क्या काम करते हैं, दे सॉर्ट द लेटर्स। क्या देखते रहेंगे वो लोग सॉर्ट करते समय, एड्रेस देखते रहेंगे, नेम देखते रहेंगे कि पिन कोड नंबर देखते रहेंगे चांदनी चौक में, दे सी ओनली द पिन कोड नंबर, उनको नेम और एड्रेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो काम का भी नहीं है अभी। तो चांदनी चौक में क्या होता है, सब लेटर का पिन कोड नंबर देख के सिर्फ पहले दो डिजिट, क्योंकि बाकी का तो काम में नहीं है ना, उसने ये लिखा था ना पिन कोड में, सिर्फ पहले दो डिजिट ये बंदा देखता है और वो सारे लेटर्स को सॉर्ट करता है स्टेट वाइज। 40 के सारे लेटर एक रैक में जाते हैं, उस रैक को हम लोग बोलते हैं हैज टू बी सेंड टू महाराष्ट्र, 40 इंडिकेट महाराष्ट्र, 10 इंडिकेट दिल्ली, ओके। तो 40 तो ये क्या करता है, चांदनी चौक का पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सॉर्टिंग करता है और सारे लेटर 40 के एक डब्बे के अंदर रखता है। और वो लेटर किधर लेके जाता है, चांदनी चौक से डायरेक्टली महाराष्ट्र में नहीं आता, इट गोज टू द दिल्ली हेड पोस्ट ऑफिस। अभी दिल्ली हेड पोस्ट ऑफिस से कहाँ कहाँ से लेटर आते हैं, बहुत सारी जगह से लेटर आते हैं, पूरे दिल्ली के एरिया में से, सबके एरिया में से लेटर दिल्ली पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी दे डू द सॉर्टिंग बाय सीइंग ओनली द फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द पिन कोड, बाय सीइंग ओनली द फर्स्ट। तो दिल्ली पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर्स उनके स्टेट वाइज, 29 स्टेट्स है तो 29 स्टेट वाइज सॉर्टिंग होता है, ध्यान रखो वर्ड्स पे, क्या होता है सॉर्ट होता है। फिर अपना महाराष्ट्र वाला लेटर ट्रैवल करता है, सॉर्टिंग होने के बाद सारे स्टेट के पोस्ट हेड पोस्ट ऑफिस को लेटर भेजा जाता है, तो वो डब्बा पूरा निकलता है और अपने कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र हेड पोस्ट ऑफिस के पास आता है। अभी महाराष्ट्र में जितने भी लेटर आए बाहर से, सबका पिन कोड नंबर क्या रहेगा, 40। तो महाराष्ट्र में भी वापिस सॉर्टिंग होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है तो ये लेटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए वो पता होना चाहिए ना। तो महाराष्ट्र में भी सॉर्टिंग होता है पर कौन से डिजिट पे, नेक्स्ट टू डिजिट पे, टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट, द सॉर्टिंग इज डन टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि यहाँ से जितने भी लेटर आए सबके स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेंगे, पहले दो डिजिट क्या रहेंगे, 40, फिर मुंबई 00, थाना 07, ऐसे सबका अलग अलग सॉर्टिंग होगा बाई सीइंग ओनली द नेक्स्ट टू डिजिट ऑफ द पिन कोड नंबर। यहाँ पे सब सॉर्टिंग होने के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को वो भेज रहे, महाराष्ट्र हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस किसको भेजेगा, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा। तो पकड़ लो मुंबई का लेटर अभी 4000, ये सारे लेटर कहाँ पे आएंगे, मुंबई पोस्ट हेड पोस्ट ऑफिस, मुंबई हेड पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा वो, यहाँ पे सारे लेटर यहाँ पे है तो मुंबई में आके वापिस सॉर्टिंग होगा, वापिस सॉर्टिंग होगा, और सॉर्टिंग कैसे होगा, on the basis of area, मतलब the last two digit of the pin code number, तो area पता चलेगा माही में। तो हम लोगों ने 400 पे आया मुंबई में आके, मुंबई में आके सारे लेटर्स जो 16 के वो सब सॉर्टिंग करके हम लोगों ने किसको भेज दिए, माही पोस्ट ऑफिस को भेज दिए। अभी ये बंदा सॉर्टिंग करेगा क्या, नहीं, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कि इसके बाद जो भी लेटर डिलीवर हुआ सबका पिन कोड नंबर क्या है, ये है 400016 सॉरी। तो अभी क्या होगा, फिर अभी लास्ट में जाके अभी वो क्या देखेगा, सेकंड पैरामीटर का, पोस्टमैन अंकल यहाँ से निकलेंगे बैग लेके और वो कौन सा एड्रेस देखेंगे, ही विल रीड द एड्रेस, और एड्रेस पढ़ के आपके बिल्डिंग तक आ जाएंगे,
बिल्डिंग में आने के बाद आपका डोर नॉक करेंगे, बिल्डिंग में आने के बाद आपका डोर नॉक करेंगे एंड एट दैट मोमेंट ही विल रीड योर नेम और वो लेटर आपको ही दे देगा. क्योंकि आपके घर में 10 लोग रह रहे हैं, किसको लेटर देना है? तो लेटर हैज टू बी गिवन टू द पर्सन फॉर हुज नेम इज रिटन ऑन द लेटर. तो देखो अपना तीन एड्रेस कैसे काम में आया. पिन कोड नंबर वॉज हेल्पिंग यू टू फाइंड द एरिया ऑल ओवर द इंडिया. कोई भी एरिया को यूनिक पिन कोड नंबर है. एरिया में आने के बाद यू फाइंड द एड्रेस और एड्रेस पे जाने के बाद यू फाइंड द नेम. ये कंसेप्ट समझ में आया? ओके, इजी है. जैसे लेटर जाते हैं, मैंने सिर्फ उसको रखा है. अभी ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, उनको हम लोग नेटवर्किंग में बोलते हैं राउटर्स. दे आर कॉल्ड एज राउटर्स. तो वो लोग भी क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, राउटिंग करते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड एज राउटर. वो सॉर्ट कैसे करते हैं? बाय सीइंग ओनली द आईपी एड्रेस. ओनली द आईपी एड्रेस. ये आपका, ये क्या है? आपका मशीन. ये लेटर जिसने लिखा उसका मशीन. लेटर डाला मतलब उसने अपने नियरेस्ट राउटर को डेटा डाल दिया. तो आप बोलोगे ये पिन कोड नंबर क्या है? पिन कोड नंबर जो एरिया फाइंड करता है सिमिलर टू आईपी एड्रेस. एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इज सिमिलर टू मैक एड्रेस. देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम लोग ही उसको इतना मुश्किल करके पढ़ रहे हैं. And name is nothing but a unique name inside your home, that is port number. ये सौरभ नाम का इंसान मेरे बाजू वाले में भी रूम में भी रहेगा, पर मेरे घर में सौरभ नाम का इंसान एक ही है, that is a port number. समझ में? So अभी देखो कैसे डेटा जाता है. Whenever someone want to send a data, the IP address help you to find the network. जैसे pin code help you to find out the area. अभी आपको कोई भी नेटवर्किंग पूछे एकदम क्लियरली बता सकते हो, टेंशन ही नहीं है. आईपी एड्रेस हेल्प यू टू फाइंड आउट द पिन कोड हेल्प यू टू फाइंड आउट द एरिया. वैसे आईपी एड्रेस हेल्प यू टू फाइंड आउट द नेटवर्क. उस नेटवर्क के अंदर कहाँ पे डेटा देना है, किस मशीन को देना है, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ मैक एड्रेस. और उस मशीन के अंदर डेटा किसको देना है, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ पोर्ट नंबर. So these are the three main address for data to be delivered. और एक address है URL, वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, but these are the three mandatory address. हम लोग किसको question पूछते हैं, बोलते हैं कि how the data has been traveled, तो आप लोग बता देते हो data travel using IP address. नहीं रे बाबा, IP address तो आपको सिर्फ area में लेके आएगा. PIN code आपको आपका data deliver करेगा क्या? आपके area में लाके छोड़ देगा ना. आपका address, that is the MAC address, will help you to find out that machine. पर machine के अंदर भी बहुत सारे लोग मुंह खोल के बैठे कि वाह मुझे डेटा दो, मुझे डेटा दो, मुझे डेटा दो. किसको डेटा देना है? दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ पोर्ट नंबर. समझ में आया कंसेप्ट? दिस इज नथिंग बट आईपी एड्रेस. तो आप बोलोगे सर आईपी एड्रेस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे बोला आपने? तो कोई भी आईपी एड्रेस लिख दो, 10.14.16, उसके नीचे कुछ तो लिखा रहता है, ऐसा कुछ तो लिखा रहता है. ये हुआ आईपी एड्रेस और ये हुआ सबनेट मास्क, या नेट मास्क बोलते हैं या सबनेट मास्क बोलते हैं. अभी सर फिर ये क्या रहता है? देखो अभी आपको समझ में आया ना, पिन कोड नंबर में प्री डिफाइंड है. क्या डिफाइंड है? पहले दो डिजिट एरिया, फिर दो डिजिट डिस्ट्रिक्ट, और फिर दो डिजिट अपना एरिया. पहले दो डिजिट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर एरिया. पर यहाँ पे ना फिक्स नहीं है, चेंजिंग होते रहता है. I am not talking about class A, class B, class C. वो absolute है, वो नहीं use करते actually. I am talking about only the practical IP address है जो use होता है. That is the classless CIDR address या classless address. तो आपको इसमें से network address क्या है कैसे पता चलेगा? You have to do the AND operation with subnet mask to get your network address. तो यहाँ पे network address है. This is your network address. So, 16 क्या है फिर? एरिया में आने के बाद, अभी अपने एरिया में एड्रेस यूनिक है ना. यहाँ पे मैक एड्रेस आप लैपटॉप, ये चलो आपके घर पे अभी लैपटॉप है, आपने वायर लगाया लैपटॉप को, निकाल दिया, बाद में लगा दिया डेस्कटॉप को, मैक एड्रेस चेंज हो गया ना आपके. आईपी तो सेम ही है,
तो ये जो आईपी है ना वो ढूंढता है विद अ प्रोटोकॉल कॉल्ड एज एआरपी प्रोटोकॉल कि द आईपी एड्रेस इज एसोसिएटेड विद विच मैक एड्रेस राइट नाउ. एआरपी नहीं होता ना देयर वुडंट हैव बीन मोबिलिटी. एआरपी की वजह से आप लोग इतना मोबिलिटी करते हो, वही लैपटॉप लेके कहां पे भी घूम जाते हो, कहीं पे भी वायर प्लग एंड प्ले कर रहे हो, इंटरनेट लगा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस एआरपी प्रोटोकॉल. सो वो 16 देखो अभी आपका आईपी एड्रेस के हिसाब से डेटा कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे ये बंदा लिखते समय क्या लिखेगा, पोर्ट नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर. एड्रेस में क्या लिखेगा, कभी भी सेंडर को आपका मैक एड्रेस नहीं पता होता. बहुत लोग यह भी पढ़ते थे, बोलते सेंडर मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. एक याद रखो, सेंडर कभी, जैसे ए है यहाँ पे, ए को आपका मैक एड्रेस नहीं पता होता, ए को सिर्फ इसका मैक एड्रेस पता होता है, दैट इज इमीडिएट नेक्स्ट होप. क्यों ऐसा सर, क्योंकि एआरपी प्रोटोकॉल वर्क है डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर बोला तो कौन से डेटा लिंक लेयर सिर्फ किधर तक बात कर सकता है, टिल नेक्स्ट होस्ट नेक्स्ट हॉप, तो उधर तक ही बात कर सकता है. तो उसका मैक एड्रेस ही इम्पोर्टेंट है, उसका आईपी एड्रेस या कोई बड़ा नंबर नहीं चलता है. नहीं समझ में आया, ठीक है बाजू में रख दो. अभी यहाँ पे ध्यान दो, आईपी एड्रेस लिखेगा, मैक एड्रेस नहीं लिखेगा, पोर्ट नंबर लिखेगा, किस एप्लीकेशन से बात करनी है आपको. डेटा वहां से निकलेगा, पहले राउटर के पास आएगा. राउटर क्या करेगा, ऐसा ऑपरेशन करेगा, एंडिंग करेगा, और नेटवर्क एड्रेस बाहर निकालेगा और देखेगा कि वो एड्रेस अभी कहाँ पे है, वो नेटवर्क एड्रेस अभी कहाँ पे है, एंड ही विल फॉरवर्ड अ पैकेट टू दैट राउटर. इसके राउटर को क्या बोलते हैं, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डर भी बोलते हैं. राउटिंग डज द राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. फॉरवर्डिंग मतलब क्या, ये मेरा पैकेट नहीं है, मेरे एरिया का नहीं है, तेरे पास देख, ये ढूंढता है. तो आप बोलेगे सर ऐसा कितना टाइम जाएगा ढूंढने के लिए, आप लोग कैसे गए, हायरार्की में गए ना, चांदनी चौक में किधर भेजा डेटा, डायरेक्ट महाराष्ट्र को भेजा क्या, नहीं, अपने ऊपर वाले राउटर को जिसको पता है कि महाराष्ट्र का राउटर कहाँ पर है. वैसे राउटर में भी ऐसे ही होता है, देन राउटर दिल्ली के राउटर ने किसको भेजा, महाराष्ट्र के राउटर को. महाराष्ट्र के राउटर ने किसे बोला, ये नेटवर्क एड्रेस मुंबई का है. मुंबई ने क्या बोला, ये नेटवर्क एड्रेस माहिम का है. और एक बार माहिम में आ गया ना, ये एड्रेस जो है ना, मैक एड्रेस कैसे मिला, माहिम में आने के बाद पोस्टमैन अंकल जैसे एड्रेस ढूंढते ढूंढते जाते हैं ना आप लोग. अब ये राउटर क्या करता है, एक प्रोटोकॉल रन करता है, एआरपी प्रोटोकॉल, बोलता है 10.12.13.16 कौन है, मुझे उसका मैक एड्रेस चाहिए, मतलब मुझे उसका, दैट इज कॉल्ड एआरपी क्वेरी. तो सब लोग कंप्यूटर, ये एरिया के अंदर सब कंप्यूटर सुनते हैं, और रिप्लाई कौन करता है, जिसका आईपी एड्रेस 16 है. अगर मैं अनाउंस करता हूँ अभी, इज देयर समवन हुज नेम इज अक्षय, या फिर अक्षय है ऑलरेडी कोई तो आपके सर ही है, तो इज देयर समवन हुज नेम इज शुभम. तो सब लोग ने सुना, सब लोग ने सुना, पर रिप्लाई कौन करेगा, सिर्फ शुभम करेगा. उससे मुझे क्या पता चलेगा, आपके क्लासरूम में टीचर आती है और बोलती है कि हु इज शुभम इन योर क्लास, हु इज शुभम इन योर क्लास, तो क्या हो जाएगा, पर सब लोग उसको इग्नोर करेंगे, दैट इज एआरपी क्वेरी. और शुभम ही क्या करेगा, सिर्फ रिप्लाई करेगा. तो मुझे उसका क्या पता चलेगा क्लास में आने के बाद, उसका फिजिकल लोकेशन, एंड आई विल डायरेक्टली वॉक टू शुभम एंड गिव अ पैकेट टू द शुभम. अभी शुभम क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स है उसके अंदर, उसके बैग के अंदर बहुत सारे बुक्स है, उसको पता नहीं कौन सा निकालना है. तो उसके लिए हम लोग को लास्ट एड्रेस जो लगता है, दैट इज नेम, दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट नंबर. ये एग्जाम्पल से बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा. सब आप क्लास में बैठो, अभी सब आपका क्लास चालू है कहाँ पे, तो और आपके सर बोलते कि विल ऑर्डर अ पिज्जा इन अ क्लास. तो 10 लोग है, 10-15 लोग क्लास में, सर बोलते कौन सा चाहिए, आप लोग लिख के दे दो. सब लोग ने एक पेपर पे लिख के दिया, सब लोग ने क्या दिया, जो पिज्जा चाहिए वो ही लिख के दिया. सपोज एक ने लिखा कि मुझे नॉनवेज चाहिए, एक ने लिखा मुझे वेज चाहिए, ओके, और सर को दे दिया. सर ने भी क्या दिया, 15 पिज्जा उसने, सर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया. बट सपोज पिज्जा आने के बाद और आने से पहले आप में से 2-3 लोग का मूड चेंज हो गया, नहीं रे वेज नहीं खाना है, आज तो नॉनवेज ही खाना है, ओके, आज पहले पता नहीं था आज खा सकते हैं तो आज नॉनवेज ही खाना है. और अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, आने के बाद ऑर्डर तो प्लेस हो गया, वो तो आ भी गया, आपके क्लासरूम के एंट्री पॉइंट तक आ गया वो, क्योंकि आपका एड्रेस दिया हुआ था. आने के बाद उसने 15 पिज्जा लेके आया और आप लोग की तरफ देख के क्वेश्चन मार्क में आ गया वो, अरे ये कौन सा पिज्जा किसको देना है, सब लोग ही मेरे पास ऐसे हंग्री मूड मुंह करके देख रहे, सब लोग ही बोल रहे मुझे दो मुझे दो मुझे दो.
अभी वेज और नॉन वेज वालों का भी गड़बड़ हो गया, उन लोग को बोले कि हमने नॉन वेज ऑर्डर किया था, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, सब लोग ने अपना व्यू चेंज किया, तो यहाँ पे डेटा डिलीवर किसको करे, सब लोग ही मांगने के लिए बैठे, तो गलत डिलीवर हुआ तो क्या फायदा होगा, जो सही डेटा है किसके पास जाना चाहिए था वहां पे नहीं जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या था इसका, अगर जाते समय ऑर्डर प्लेस करते समय आपने उस पिज्जा ऑर्डर के बाजू में अगर आपका नाम भी लिखा हुआ रहता तो ये प्रॉब्लम होता था क्या, जैसे पिज्जा आ गया आपके सर ने क्या निकाला, वो पेपर निकाला, पहला पिज्जा पड़ा, नाम पड़ा और आपको दे दिया, तो कहाँ पे गया, सीधा उस क्लास, क्लास इज योर मशीन, और मशीन में किसको गया, इंडिविजुअल पर्सन को गया, दैट इज अ पोर्ट नंबर, दैट इज अ पोर्ट नंबर। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन रनिंग रहते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन रनिंग रहते हैं, तो कौन से एप्लीकेशन को डेटा देना है, कौन से एप्लीकेशन को डेटा देना है, ये डिसाइड होता है पोर्ट नंबर से। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो आईपी एड्रेस come with two version, 32 bit, that is IPv4. Another come with 128 bit, IPv6. कभी question आया कि IPv4 कहाँ पे गया? IPv4 था, 64 bit का था, पर वो deploy होने से पहले, standardize होने से पहले पता चल गया कि ये भी exhaust होने वाला है, तो उसका standardization हुआ ही नहीं, पर था actually. MAC address, I am talking about the Ethernet, 48 bit रहता है. This is unique all over the world. सारे computers को ये address unique है, ध्यान रखना. Every computer MAC address is unique in the world. The last one is the port number. It is of 16 bit. उसमें से 0265535. These are the MAC address. 16 bit रहता है. हर एक application रहता है. Example बताओ sir. HTTP. Port number 80. हम लोग ना, मैं पोर्ट नंबर, आप लोग बोलते हैं मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं पोर्ट 80 पे एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। HTTPS आप सिक्योर यूज करते रहोगे तो 443, तो आप एप्लीकेशन के नाम से बुलाते हो, हम लोग को कैसे बुलाना पड़ता है, 443 नंबर से बुलाना पड़ता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज ARP? ARP इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ही रिजॉल्व्स द एड्रेस, क्योंकि देखो 16 ये नाम आपके पास है ना, मैं आके चिल्ला रहा हूँ भावेश कौन है, तो व्हाट आई एम मेकिंग, आई एम क्वेरिंग एआरपी एड्रेस रिक्वेस्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हु रिजॉल्व्स द आईपी एड्रेस टू अ मैक एड्रेस, मतलब ये आईपी एड्रेस से अभी फिलहाल कौन सा मैक एड्रेस एसोसिएटेड है, ये रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोटोकॉल लगता है। दूसरा प्रोटोकॉल है ARP, इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ नाम कॉमन है, बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज अ रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल, और डिफरेंस भी करते हैं, ये कंप्यूटर चालू होने के बाद काम करता है, ये कंप्यूटर को नेटवर्क एड्रेस मिलने से पहले काम करता है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ARP इज अ प्रोटोकॉल हु फाइंड्स द मैक एड्रेस फॉर अ गिवन आईपी एड्रेस, समझ गया, आईपी एड्रेस समझ गया पक्का, कोई भी आईपी एड्रेस देख के आपको समझ में आएगा। अभी आपको कोई भी आईपी एड्रेस में देता हूं एग्जांपल, और उसका सबनेट देता हूं, क्या मुझे आप नेटवर्क एड्रेस बता सकते हो, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा, नेटवर्क एड्रेस लिखो टाइप करो, what will be the network address for the given IP address, network address, देखो अभी किसने लोग ने रिप्लाई किया ऐसा वाला, बाकी कोई कर सकते हैं, we'll add the concepts, किसने रिप्लाई किया, किसने रिप्लाई किया, ओके ओके, बाकी लोग भी ये रिप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द राइट आंसर। देखो एक याद रखो, आपने ये आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट है, दो ही क्वाड्रेंट्स है ना,
टोटल फोर है ना इसमें डॉटेड डेसिमल, देयर शुड बी फोर डॉटेड डेसिमल कंटेनर, तो चार कुछ भी हो दो आप ऐसे लिखते थे तो भी गलत था, आपने सब ऐसा लिखा रहता सर इसका आईपी एड्रेस है ये तो भी गलत है, ऑलवेज आईपी एड्रेस शुड बी कंप्लीट, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो ऐड करो, दिस इज द कंप्लीट राइट आंसर, क्लियर। तो आईपी एड्रेस अभी जिन लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ मैं और एक बार जब भी छोटी छोटी चीजें आएंगी तभी वापस आईपी एड्रेस करूंगा, पर आईपी एड्रेस ध्यान रखो इट इज समथिंग सिमिलर टू अ पिन कोड नंबर, इट इज समथिंग सिमिलर टू द पिन कोड नंबर, ऑलवेज रिमेंबर पिन कोड विल टेक यू टू द एरिया, वैसे ही आईपी एड्रेस विल टेक यू टू द नेटवर्क। तो अभी आपको है ना ये क्यों बताया इतना सब क्यों बताया मैंने, ओनली फॉर वन रीजन टू एंश्योर दैट कि आपको भी समझ में आएगा कि डेटा आ रहा कैसे और जाएगा कैसे, आपके कंप्यूटर से डेटा निकलता है किसके लिए, तो आपका राउटर क्या करता रहेगा उसमें से सिर्फ नेटवर्क एड्रेस निकालता रहेगा और आगे जाके ट्रांसफर करता रहेगा, वो बंदा उधर से दूसरे राउटर के पास, तो ये फ्लो होता है एक्चुअली, आपको पोस्ट ऑफिस के एग्जांपल में बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, पर एक्चुअली वो राउटर वहां पे क्या काम करता है, राउटिंग और फॉरवर्डिंग का, अरे मेरा पैकेट नहीं है तो आगे भेजो, मेरा पैकेट नहीं है तो आगे भेजो, दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस इज, समझ में आया। सो कोई भी चीज करो वी रिक्वायर टू हैव थ्री एड्रेस डेटा डिलीवर करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछो हाउ मेनी एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा टू बी डिलीवर्ड, तो फॉर अ डेटा टू बी डिलीवर वी रिक्वायर थ्री आईपी एड्रेस, three addresses, IP address, MAC address and port number. And the fourth one is the optional, that is URL. अगर आपके चार पांच URL open है, तो URL help you to uniquely identify. That is the fourth address that can be required when you're having a HTTP communication. Clear? Fine. So this was the concept of IP address जो हम लोगों ने design किया था आज के लिए, day zero के लिए. अभी मैं questions देखता हूँ कि क्या क्या पूछे थे। एक ने पूछा था कि सर नॉट सिंक्रोनस अटेम्प्ट टू किल इनिट व्हेन आई एम इंस्टॉलिंग द लाइव एएमडी 64। आपका शिव सागर प्रजापति आपका 32 बिट है कि 64 बिट है लैपटॉप? 64 बिट है सर। तो एरर कहाँ पे आ रहा है, लाइव पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है सर? इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वहां पे रुक जा रहा है। क्या आ रहा है? इंस्टॉलिंग स्टार्ट होने के बाद जो आपको एरर भेजा वहां पे स्टॉप हो जा रहा है। ओके पापा आपने लाइव पे क्लिक किया है ना? यस सर। ओके चलेगा, मेरे को आपका मैसेज दे रहा है, स्क्रीनशॉट भेज के रखो ना, मैं मेल आईडी शेयर करता हूं, स्क्रीनशॉट भेज के रखो। ओके सर। और कोई सर आईएसओ और वीएमवेयर 64 का डाउनलोड लिंक मिल सकता है क्या? यू कैन जस्ट गो टू द एनी kali.org और वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, kali.org वहाँ पे डाउनलोड लिंक है ISO का 32 बिट का, और VMware का 64 बिट यू हैव टू जस्ट गूगल VMware, खुद का वेबसाइट है VMware का, VMware पे जाओ डायरेक्ट लिंक ऑप्शन अवेलेबल है 64 लिंक। सर हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट ऑन Kali Linux यूजिंग इट, अगर आपने नेट किया है ना ऑटोमेटिकली आपके होस्ट पे इंटरनेट चालू रहेगा तो आपके काली में भी इंटरनेट 100% चालू रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। VMware में इंटरनेट वर्क होगा क्या? यस VMware में इंटरनेट वर्क होगा, सॉरी मैंने प्राइवेट में किसी को भेजा, यस इंटरनेट VMware में काम करेगा, इसके लिए तो नेट किया है ना, शेयर विद द इंटरनेट मतलब बाहर से वाले से शेयर करना है हमको पोस्ट वाले से। और समझ में आया कि स्पीड ज्यादा है क्योंकि देखो मेरा स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि मुझे आपसे डिलीवरी ज्यादा देना है, आराम से भी सिखा सकता हूँ एक ही टॉपिक दो घंटा रटक करके, पर आपको मेरा फायदा है तुम्हारा नुकसान है, तो ध्यान रखो फटाफट करो। देखो ये चीज ऐसी है कि इट इज नॉट अ लर्निंग ऑफ टेक्स्ट बुक कि आराम से करेंगे राइट डाउन द स्टेप्स, नहीं जहाँ पे स्लो जाना है ये, तो स्पीड अच्छा ही रहेगा मेरा, जब भी आपको लगता है कि आपको सिर्फ मैसेज डालो स्लो डाउन करके, बिकॉज माय आई हैव अ गुड स्पीड मतलब स्पीड ज्यादा है मेरा, तो प्लीज इंश्योर करो कि आप लोग स्लो डाउन करो तो मैं रुक जाऊंगा। फॉर दिस कोर्स व्हिच आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई शुड नो,
नथिंग, जहाँ पे जरूरत होगा ना मैं आपको पाइथन भी लगेगा एक जगह पे, एक जगह शेल स्क्रिप्ट भी लगेगा, जहाँ पे जरूरत होगा मैं आपको वो कमांड वहां पे सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंडोज में भी होगा क्या इंटरनेट? अगर हाँ, विंडोज और काली में दोनों में इंटरनेट शेयर होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। सर आईपी एड्रेस और नेट मास्क का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम अभी वो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ मैम, सर व्हाटएवर आई डोंट नो द। अभी सपोज ये आईपी एड्रेस है 12.12.13.14, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। अभी बाइनरी कन्वर्जन, अभी ए 8 बिट में आएगा, 0000 4 का 12 का बाइनरी, ये 0000 12 का बाइनरी, ये 12 का बाइनरी, ये 12 का, 13 का बाइनरी 1101, और 14 का बाइनरी, ये बाइनरी में पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर वन, कन्वर्ट द आईपी एड्रेस इनटू द बाइनरी, कन्वर्ट यूर सबनेट मास्क, कुछ भी हो सकता है, सबनेट मास्क मैं 128 लेता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका बाइनरी क्या आएगा, 255 का बाइनरी हमेशा ऑल वंस आता है ना, 4 5 6 7 8, ये इसका बाइनरी, ये इसका बाइनरी, 128 का बाइनरी 1000000, और जीरो का बाइनरी स्टेप नंबर टू सबनेट मास्क का भी बाइनरी कैलकुलेट करेगा। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एंड ऑपरेशन, एंड का ट्रूथ टेबल क्या है, 0000010001111, अभी आपको करना है इसका एंड ऑपरेशन करना है। तो अभी कैसा आएगा, एनीथिंग एंडेड विद जीरो विल बी जीरो, एनीथिंग एंडेड विद वन विल बी वन, देखो ना 0000 हो जाएगा, ये 111 हो जाएगा, ये 111 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0001100, यहाँ पे 128 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, और बाकी सब जीरो, तो सब जीरो ही हो जाएगा, एनीथिंग एंडेड विद जीरो विल बी जीरो, और यहाँ पे भी एनीथिंग एंडेड विद जीरो विल बी जीरो, और लास्ट में क्या करना है, इसको वापिस डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 12.12.0.0 हो गया नेटवर्क एड्रेस, इजी फाइन। और क्या क्वेश्चन है सर, कैन यू एक्सप्लेन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस? देखो आईपी एड्रेस क्यों रखते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस हेल्प यू टू फाइंड आउट द, देखो गलत फहमी कि आईपी एड्रेस मशीन को फाइंड करता, अकेला नहीं कर सकता। IP address is used to find the network of that machine. और उस मशीन में नेटवर्क में आने के बाद लास्ट वाला जब ये कैसे, ये हुआ नेटवर्क एड्रेस, और ये अभी बचे हुए दो बिट्स है ना, मतलब 0.0 sorry 12.12.13.14, that will help you to find out the machine MAC address, machine MAC address, और फिर आपका स्विच मैक एड्रेस से डेटा मशीन को देता है, आईपी एड्रेस से नहीं। एक याद रखो, अगर आप लोग एक स्विच से कनेक्टेड हो तो आपका डेटा सिर्फ मैक एड्रेस से आता है, आईपी एड्रेस से नहीं। सो मैक एड्रेस कौन देता है, एआरपी प्रोटोकॉल देता है। तो आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नेटवर्क, जैसे पिन कोड नंबर एरिया ढूंढता है, एरिया में आने के पोस्टमैन अंकल एड्रेस ढूंढते हैं, वैसे एरिया में आने के नेटवर्क में आने के अंदर आईपी एड्रेस की हेल्प से मैक एड्रेस ढूंढा जाता है using a protocol called as ARP protocol, और फिर वो IP address और MAC address को लेके machine मिलती है, और उस machine के अंदर data किसको deliver करना है, that is the port number, क्योंकि machine के अंदर बहुत सारे application हो सकते हैं, total 65,000 है ना, उतने भी हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते कि machine चलेगा ही नहीं, पर उतने application हो सकते हैं, every machine has the unique port number, so बाजू वाले port में भी वो port number unique रहेगा क्या, आपके घर में 80 है, बाजू वाले में भी 80 है, चलेगा। तो एप्लीकेशन है वो यूनिक पोर्ट, जैसे HTTP 80 है ना, पूरी दुनिया में 80 है, फर्क नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि वो मशीन के अंदर 80 है, मशीन के अंदर दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम 80 है, तो दिस इज व्हाट इट, तो बेसिक कांसेप्ट इज दैट, बेसिक कांसेप्ट इज दैट यू रिक्वायर टू हैव 3 एड्रेसेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर टू फाइंड आउट एनी मशीन एंड एप्लीकेशन इनसाइड द कंप्यूटर। हैकिंग करने के लिए अपने को ये 3 चीजें सबसे ज्यादा लगने वाली है,
इसके लिए मैंने ज्यादा टाइम इसमें 1.5 घंटा दिया है इसके ऊपर। 15 मिनट में आपको आता है समझ के छोड़ दिया रहता तो बाद में आपको प्रॉब्लम होता। चलेगा अभी आज जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। क्वेश्चन अभी क्या है सर? एआर सर मैक एड्रेस एक्सप्लेन करो ना। मैक एड्रेस मतलब क्या होता है सर? फिजिकल एड्रेस ऑफ द मशीन। आप क्लास में बैठे हो, क्लास में 60 लोग बैठे हैं, उसमें आप बैठे हो सेकेंड रो फिफ्थ बेंच पे। क्लास टीचर आके आपका नाउन अनाउंस करती है। क्लास टीचर आके हर एक के पास नहीं गई ना, भाविश तू है क्या, भाविश तू है क्या पहले बेंच से। उसने आके क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट किया, भाविश कहाँ पे बैठा है। भाविश ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करके मुझे क्या पता चला, भाविश का फिजिकल एड्रेस, दैट इज मैक एड्रेस। Every computer have a unique MAC address. Whenever there is an announcement in the group saying that ये IP address किसके पास है अभी, तो आपका computer reply करता है, अरे मेरे पास है, ये मेरा MAC address है, तो आपका data MAC address की help से deliver हो जाता है। We'll see ARP protocol जब हम लोग attack करें ना, तो मैं आपको मैं demonstration दिखाता हूँ MAC address कैसा देता है। हम लोग कल जब networking commands करेंगे ना, तभी ARP command करेंगे हम लोग, तभी हम लोग देखेंगे। Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ नेट मास? नेट मास की मी मराठी मध्ये सांगतो, नेट मास लवकर समजतो। घरी आई पीठ किंवा आपलं पीठ तळणी तळणी यूज करते ना पीठासाठी, ते काय करतो? थोडे पार्ट्स जे मोठे पार्टिकल पार्टिकल्स आहेत त्यांना बाजूला काढतो आणि जे पाहिजे तेच पास ऑन होतं ना, वैसे ही नेट मास्क आहे। द आय पी पास थ्रू अ नेट मास्क, यू गेट अ नेट ऍड्रेस। अपन इतनी जाए मास्क मतलब क्या, जाली। हम लोग वो आई पी उससे पास करते हैं और हम लोग को क्या मिलता है, नेटवर्क एड्रेस मिलता है। ठीक है, हब और स्विच में डिफरेंस क्या है? एक्सटेंशन बॉक्स पता है, एक्सटेंशन बॉक्स घर में यूज करते हैं या फिर आप लोग स्पाइक गार्ड यूज करते हो। वो स्पाइक गार्ड में इंटेलिजेंस नहीं है, क्यों? एक या फिर एक्सटेंशन बॉक्स वायर से आता है और जो करंट आया वो डिवाइड होता है 4 सॉकेट्स में और आपको सप्लाई किया। चारों हेवी टीवी मोटर लगा दो सब जल जाएगा, क्योंकि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, शेयर करता है। स्विच, अगर आप स्विच यूज करते हो तो इंडिविजुअल पोर्ट पे पावर आता है, इंडिविजुअल पोर्ट पे पावर आता है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। हब इज लाइक अ एक्सटेंशन बॉक्स, शेयर करो इंटरनेट, मतलब डेटा जब आएगा ना और हब से आप कनेक्टेड हो तो डेटा सारे कंप्यूटर को मिलेगा, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच वैसे नहीं करता, स्विच वर्क है डेटा लिंक लेयर, तो वो बोलता है कि अरे किसको डेटा देना है, इसको, इसका मैक एड्रेस ढूंढता हूं मैं। ही फाइंड द मैक एड्रेस एंड गिव ओनली टू दैट कंप्यूटर, नॉट ऑल। हब ब्रॉडकास्ट टू द ऑल कंप्यूटर्स। व्हाट इज एआरपी? एआरपी इज द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हु एंश्योर्स दैट ही विल फाइंड आउट द रिलेटिव मैक एड्रेस और अ गिवन आईपी एड्रेस। मुझे आईपी एड्रेस पता है, अभी सिंपल ले लो, अगर आप आपका लैपटॉप घर पे यूज कर रहे हो, आपका आईपी अलग है पर मैक तो सेम है, ये लैपटॉप उठा के लेके जाते हो और कहाँ पे यूज करते हो, ऑफिस में, वहां पे भी मैक एड्रेस सेम है पर आईपी अलग है। तो जब भी ऑफिस में जाते हो ना, वो आके पूछता है ये आईपी किसके पास है, तभी आपका कंप्यूटर रिप्लाई करता है मेरे पास है, अभी मेरे को दे डेटा, और आप चले गए, दूसरा बंदा आपके ऑफिस में आ गया और वापिस वो एआरपी प्रोटोकॉल करता है, बोलता है ये आईपी अब भी किसके पास है, तो बोलते अब भी मेरे पास है, पहले किसी और के पास था। तो एआरपी ऑलवेज फाइंड आउट द मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर फॉर अ एसोसिएटेड आईपी एड्रेस। ओके, ओके, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर थिंग्स, देन यू कैन फायर ऑन मी। सर एआरपी प्रोटोकॉल कैसे देता है मैक एड्रेस, शॉर्ट प्रोसीजर। सर एआरपी प्रोटोकॉल कैसे देता है मैक एड्रेस, सर उसका ना एक हेडर फॉर्मेट है। देखो अगर आपको थोड़ा, अपन नेटवर्किंग आता है थोड़ा बहुत पढ़ा है महेश, थोड़ा बहुत मतलब, तो अब से मैं फिर हेडर में फॉर्मेट यूज करता हूँ। नेटवर्किंग में यार की सर जी, ओके, 3, 4, 5 यहाँ पे क्या रहता है, सर्वर या फिर जो बंदा कंप्यूटर डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लाइंट, जिसको हम लोग डेटा क्लाइंट। यहाँ पे क्या था, सर्वर, मैक एड्रेस, मैं आपको हेडर फॉर्मेट ही बता रहा हूँ।
सर्वर मैक एड्रेस, सर्वर आईपी एड्रेस, क्लाइंट आईपी एड्रेस, क्योंकि मुझे क्लाइंट का आईपी एड्रेस पता है पर मुझे उसका फिजिकल लोकेशन नहीं पता, और क्लाइंट मैक एड्रेस क्वेश्चन मार्क रहता है यहाँ पे, क्योंकि वो एम्प्टी रहता है, ताकि सब फिल रहता है यहाँ पे। यहाँ पे आता है एआरपी रिक्वेस्ट या रिप्लाई, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर्वर क्या करता है, ऐसा एक पैकेट बनाता है, यहाँ पे हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, ये प्रोटोकॉल टाइप भी क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। हार्डवेयर टाइप मतलब इथरनेट है, सन सोलारिस है, एप्पल का है, कौन सा हार्डवेयर है इसमें। तो प्रोटोकॉल में आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ऊपर के लेयर से जो डेटा आ रहा है वो सब रहता है। अभी आप लोग इधर इतने पे फोकस करो ये पार्ट पे। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या, ये सर्वर है और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है, उसमें से एक कंप्यूटर है, ये क्या करता है, ये वाला पैकेट है ना ब्रॉडकास्ट करता है सबको, सारे कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है ना सबको ब्रॉडकास्ट करता है। तो वो पैकेट इसको भी जाते हैं। सब लोग क्या पढ़ते हैं, क्लाइंट आईपी एड्रेस, मेरा है क्या नहीं आई वोंट रिप्लाई, मेरा है क्या नहीं आई वोंट रिप्लाई, मेरा है क्या आई वोंट रिप्लाई, ये भी रिप्लाई नहीं करेगा, ये भी रिप्लाई, ये बंदा रिप्लाई करेगा, कैसे रिप्लाई करेगा, he will fill his MAC address into this field and send it to server. He will send it to server. Server को directly भेज देगा। Server को क्या मिल गया, उसका MAC address। अभी server क्या करेगा, data directly इसको deliver करेगा, broadcast नहीं करेगा। तो उसने broadcast क्या किया, request, not the content, data नहीं किया। ये concept है ARP का। और इसके वजह से mobility है हमारे पास। हम लोग डे 6 पे एआरपी प्रोटोकॉल जब भी करेंगे, एआरपी स्पूफिंग, तभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे मैक एड्रेस निकाल के लेके आया किसी मशीन का। ओके? तो आपने ये जगह अपने डिप्लोमा किया है या डिग्री में है तो आपको है ना ये फॉर्मेट आपने पढ़ा है, एक बार ध्यान रखो। ओके, चलो, होप यू हैव बीन क्लियर। ये इंस्टॉलेशन और काली लिनक्स ओपन करके रखना है। कल हम लोग पहला स्क्रीन जो ओपन करेंगे वो काली लिनक्स का करेंगे, एंड वी स्टार्ट विद द नेटवर्किंग कमांड्स, 10 कमांड नेटवर्क के, 10 कमांड काली लिनक्स के, और एक अटैक दैट इज अ फिशिंग अटैक हम लोग कंप्लीट करेंगे कल। तो हमारा तीन टारगेट रहेगा कल, फाइन।